नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई एस न्यूज। सीतापुर जाने के लिए लखनऊ पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पुलिस प्रशासन ने एयरपोर्ट से बाहर आने नहीं दिया। पुलिस ने धारा 144 लागू होने का नोटिस पढ़कर सुनाया तो बघेल एयरपोर्ट परिसर में जमीन पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने खुद को रोके जाने को लोकतंत्र की हत्या बताया। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को भी एयरपोर्ट परिसर में रिसीव नहीं करने दिया गया। सीतापुर जाने के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री बघेल आ रहे थे। आप लोगों को मालूम है पुनिया जी वहाँ के प्रभारी इंचार्ज हैं और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनके स्वागत के लिए आया था कि हम लोग सीतापुर को लेके जाएंगे, परंतु यहाँ बताया गया आने पर कि आप लोग अंदर उनको रिसीव करने नहीं जा सकते थे। हम दोनों पूर्व सांसद से पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ही दोनों पूर्व सांसद थे, उसके बावजूद भी कहा गया कि और दूसरा तो हम उनका बाहर इंतजार कर लेते हैं। तो युवा कि नहीं, परिसर में आप लोग नहीं रह सकते, एयरपोर्ट परिसर में नहीं रह सकते हैं। हम लोग कहीं भी कानून नहीं तोड़ना चाहते, कहीं भी किसी तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं। तो हम लोग तो पालन कर रहे हैं, लेकिन दो सवाल उठा के जा रहे हैं। क्या किसी व्यक्ति के अबाध मूवमेंट पे रोक लगाई जा सकती है? आप एयरपोर्ट के अंदर न जाने दें तो क्या बाहर खड़े रहने पे रोक लगा दी जा सकती है? क्या मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से कोई खतरा है? क्या हम अगर वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अगली फ्लाइट जब तक न मिले प्रतीक्षा कर लें? अगर उसके बावजूद भी ये सब कुछ है तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र में संभव नहीं है। शुद्ध रूप से तानाशाही है और भाजपा सरकार तानाशाही पे इसलिए उतर आई है कि वो चाहती है कि उसका पाप कम हो। आप लोग देख रहे हो हम लोग दो लोग हैं और दोनों जाना चाहते हैं अपने अतिथि को रिसीव करने। ही लखनऊ है, तहजीब की बात है और दोनों रेलिवेंट। ये छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं पुनिया जी और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आया हूँ। तो मैं नहीं समझता ऐसा क्यों। ये आदेश निर्देश अगर ऊपर के हैं तो मैं मानता हूँ कि आदेश निर्देश लोकतंत्र के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ। देखिए CRPC के हिसाब से 24 घंटे के अंदर सूचना देनी होती है, किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होते हैं। क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होते हैं 24 घंटे ज्यादा हो गया तो इलीगल है डिटेंशन पूरी तरीके से। पुनिया जी एक मिनट कह ले। लगा ऐसे 44 सारे लखीमपुर में, हम लखीमपुर को जा नहीं रहे हैं, रोकने जाते क्या है? याद किया है कि आपके द्वारा किया जाने वाला कृत्य से माननीय। हाँ पढ़े 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 नहीं नहीं बैठे नहीं बैठे। हमको क्यों रोका जा रहा भाई? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम PCC जाएंगे, हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं। रोकने का उचित क्या? ना नहीं नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हो तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ। इसी 44 धारा वहां लगी हुई, लखनऊ में नहीं। लखनऊ सब जगह लगा लखनऊ में। सर प्लीज सर प्लीज।